हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बाचा। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समर स्लैम के प्रेडिक्शंस के बारे में। दोस्तों, समर स्लैम पूरे साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यूज है और इस शानदार पेपर व्यू में हमें काफी मजा आने वाला है। काफी सारे शॉकिंग थिंग्स, एपिक मूवमेंट्स एंड जबरदस्त रिटर्न्स हमें देखने मिलेंगे इस शानदार पेपर व्यू में। तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसका होगा बड़ा रिटर्न, इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बाचा को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, पहले बात करें समर स्लैम के टाइम, डेट एंड चैनल के बारे में। दोस्तों, ये पेपर व्यू यूएसए में सैटरडे को होने वाला है, मतलब कल, यानी कि हमारे यहाँ पे ये पेपर व्यू होगा उसके अगले दिन, दैट इज संडे को। और समर स्लैम का जो किक ऑफ शो है वो शुरू होगा 4:30 AM से। उसके बाद दोस्तों 5:30 AM से मेन शो चालू होगा और समर स्लैम की डेट होगी 31 जुलाई। और आप ये शो देख सकते हैं Sony 10-1 पर इंग्लिश में एंड Sony 10-3 पर हिंदी में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेडिक्शंस। फर्स्ट मैच इज सिंगल्स मैच बिटवीन पैट मैकेफे वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन। दोस्तों, इस बंदे का नाम हैप्पी कॉर्बिन नहीं बल्कि बोरिंग कॉर्बिन होना चाहिए, क्योंकि ये बंदा बोरिंग से भी ज्यादा बोरिंग है। और इस बोरिंग बंदे को काफी सारा टीवी टाइम मिल रहा है और WWE इसे लगातार पुश करते जा रहे हैं, जबकि किसी को भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और मैं यही चाहता हूं कि पैट मैकेफे इसको क्लीन हरा दे, एंड बेटिंग गॉड्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग गॉड्स, आई पिक द विनर पैट मैकेफे। नेक्स्ट मैच इज WWE रॉ विमेंस चैंपियनशिप बिटवीन बियांका बेलेयर एंड बेकी लिंच। दोस्तों, इन दोनों की फ्यूड काफी टाइम से चलते आ रही है एंड इट सीम्स लाइक समर स्लैम में ये फ्यूड एंड हो जाएगी। और आप देख ही सकते हैं कि बियांका बेलेयर काफी टाइम से चैंपियन है और अब टाइम आ गया है कि बेकी लिंच वो चैंपियनशिप फिर से रिगेन कर ले। सो मेरे हिसाब से इस मैच में हमें टाइटल चेंज देखने मिल सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग गॉड्स, आई पिक द विनर एंड योर न्यू रॉ विमेंस चैंपियन बेकी लिंच। नेक्स्ट मैच इज फॉर WWE स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप, लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी। दोस्तों, हमने देखा था कि कैसे लिव मॉर्गन ने चालाकी से अपना MITB ब्रीफकेस कैश इन कर लिया था रोंडा पर और रोंडा को हरा कर जीत लिया था स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप, और यही चैंपियनशिप वो ऑन द लाइन रखने वाली है अगेंस्ट रोंडा राउजी। तो यहाँ पर इनके बीच में बैटल काफी ज्यादा बड़ा होगा और लिव मॉर्गन जो है उन्हें काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा रोंडा राउजी को बीट डाउन करने के लिए। पर दोस्तों, यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि लिव मॉर्गन इतने जल्दी टाइटल हारेंगी, क्योंकि उन्होंने टाइटल अभी ही जीता है। बट बैटिंग गॉड्स की बात करें तो दोनों के बैटिंग गॉड्स काफी क्लोज है, बट थोड़े से मार्जिन से यहाँ पर लिव मॉर्गन जीत रही है। तो मेरे हिसाब से भी शायद लिव मॉर्गन ही इस मैच में जीतेगी। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बैटिंग गॉड्स, आई पिक द विनर एंड स्टिल योर स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन लिव मॉर्गन। नेक्स्ट मैच इज फॉर US चैंपियनशिप, बॉबी लैशली वर्सेस थियरी। आपको पता है कि थियरी जो है वो है मिस्टर मनी इन द बैंक और वो पहले भिड़ने वाले हैं बॉबी लैशली के साथ फॉर US चैंपियनशिप। और थियरी ये क्लेम कर रहे हैं कि वो US चैंपियन भी बनेंगे समर स्लैम में और फिर रोमन वर्सेस ब्रॉक के मैच में कैश इन करके वो WWE यूनिवर्सल चैंपियन भी बनेंगे। तो ये थियरी बोल्ड क्लेम कर रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि थियरी US चैंपियनशिप जीत सकते हैं बॉबी लैशली को क्लीन हरा कर। मेरे हिसाब से बॉबी लैशली बीट कर देंगे थियरी को और रिटेन कर सकते हैं अपना US चैंपियनशिप। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग गॉड्स, आई पिक द विनर एंड स्टिल योर US चैंपियन बॉबी लैशली। नेक्स्ट मैच इज फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप बिटवीन द उसोस वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और इसमें दोस्तों जेफ जैरेट होंगे स्पेशल गेस्ट रेफरी। दोस्तों, हमने उसोस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के काफी सारे मैचेस देखे हैं जो काफी एंटरटेनिंग थे, और अब शायद स्कोर सेटल करने की बारी आ गई है समर स्लैम में। और यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि जेफ जैरेट होंगे स्पेशल गेस्ट रेफरी। तो उसोस जो अपनी चाल चलते हैं, जो हील टैक्टिक्स करते हैं, वो थोड़े से भारी पड़ेंगे उन पर ही, क्योंकि जेफ जैरेट एक काफी अनबायस्ड रेफरी रहने वाले हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स का थोड़ा सा चांस बनता है कि वो ये मैच जीत सकते हैं और बन सकते हैं WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। पर दोस्तों, बैटिंग गॉड्स की माने तो यहाँ पर थोड़े से मार्जिन से उसोस फेवरेट है, इसलिए मैं यहाँ पर उसोस को पिक करूंगा, क्योंकि उसोस की स्टोरी लाइन जो है रोमन रेंस के साथ वो काफी अच्छी चल रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि उसोस अपने टाइटल्स ड्रॉप करेंगे इतने जल्दी। हालांकि
स्ट्रीट प्रॉफिट्स काफी अच्छा मैच दे सकती है, काफी क्लोज भी जा सकता है वो मैच, पर मेरे हिसाब से उसोस ये मैच जीत जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर एंड स्टिल योर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियंस द उसोस। नेक्स्ट मैच इज लोगन पॉल वर्सेस द मिस। दोस्तों ये काफी एंटरटेनिंग मैच होने वाली है। रेसलमेनिया में हमने लोगन पॉल को कम्पीट करते हुए देखा, जहां पर हमने देखा कि वो कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और अभी लोगन पॉल फिर से कम्पीट करेंगे और वो कम्पीट करेंगे अगेंस्ट द मिस। लोगन पॉल और ज्यादा दिखा सकते हैं कि वो कितने केपेबल है एक रेसलर बनने के लिए, और वो मेन स्ट्रीम ऑडियंस को ड्रॉ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हायर चांसेस है कि लोगन पॉल हरा देंगे मिस को और अपनी सिंगल्स वाली जीत जो है वो रजिस्टर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर लोगन पॉल। नेक्स्ट मैच इज द मिस्टीरियोस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस द जजमेंट डे, डेमियन प्रिस्ट एंड फिन बैलर विद रिया रिपली। एक काफी अच्छा कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा हमें इनके बीच में, और यहाँ पर दोस्तों रिया रिप्ले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इनके मैच के दौरान। पर दोस्तों इस मैच में मे बी अपियर कर सकते हैं एज, क्योंकि आपको पता है कि जजमेंट डे ने एज को बाहर निकाल दिया था उनकी टीम से अटैक करके, और एज का रिटर्न अभी होना बाकी है। तो फिर दोस्तों एज शायद आ सकते हैं इस मैच में और फिर तोड़ सकते हैं जजमेंट डे को, और ऐसे दोस्तों मिस्टीरियोस को हेल्प मिल जाएगी ये मैच जीतने के लिए। और वैसे भी अभी रिसेंटली रे मिस्टीरियो के 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं WWE में, तो WWE रे मिस्टीरियो को हराना नहीं चाहेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि द मिस्टीरियोस ये मैच जीत सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर द मिस्टीरियोस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में। दोस्तों सेथ रॉलिंस की मैच होने वाली थी चर्सुले मैच रिडल के साथ, और रिसेंटली रिपोर्ट ये आई थी कि मैच रिडल इंजरी की वजह से कम्पीट नहीं कर पाएंगे समर स्लैम में, और इसलिए सेथ रॉलिंस का मैच कैंसिल हो चुका है। और फिर रिपोर्ट ये आई थी कि ये जो इंजरी का एंगल किया गया है वो केफेब है, मतलब रियल में इंजरी नहीं हुई है, ये इंजरी एक स्क्रिप्टेड इंजरी है। दरअसल WWE को मैच रिडल वर्सेस सेथ रॉलिंस की मैच करनी है क्लैश एट द कैसल पेपरव्यू में, और सेथ रॉलिंस ने ये डिजायर जताया है कि उन्हें फाइट करना है समर स्लैम में। और उस पर दोस्तों जो नए क्रिएटिव हेड है ट्रिपल एच, उन्होंने ये कहा है कि वो ओपोनेंट ढूंढेंगे सेथ रॉलिंस के लिए। अब दोस्तों बात करें सेथ रॉलिंस के ओपोनेंट की, तो मे बी हमें एक सरप्राइज ओपोनेंट देखने मिल सकता है सेथ रॉलिंस का एट समर स्लैम। तो आपको पता ही है कि ट्रिपल एच मिजेट्स को काफ़ी फेवर करते हैं, और स्मार्क्स भी यही चाह रहे हैं कि उनका ओवररेटेड मिजेट जो है जॉनी गार्गानो वो आ जाए और वो फेस ऑफ करे सेथ रॉलिंस के साथ, और हमें उन दोनों की मैच देखने मिले। पर जो कैजुअल्स हैं वो चाहते हैं कि गोल्डबर्ग वापस आए और हमें देखने मिले गोल्डबर्ग वर्सेस सेथ रॉलिंस की मैच। मैं गोल्डबर्ग का नाम इसलिए दोस्तों ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जब पिछले स्मैकडाउन में रिपोर्ट्स ये आए थे कि ब्रॉक लेसनर चले गए हैं स्मैकडाउन से, जब उन्हें पता चला कि विंस ने रिटायरमेंट ले ली है और विंस चले गए हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स ये आ रहे थे कि शायद ब्रॉक वर्सेस रोमन की मैच नहीं होगी समर स्लैम में, और WWE ने उनका रिप्लेसमेंट भी सोच लिया है, और वो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं गोल्डबर्ग। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों, और ऐसे गोल्डबर्ग का नाम ऊपर आ रहा था, और रिसेंटली गोल्डबर्ग ने भी जताया है कि उन्हें आना है वापस रेसल करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे गोल्डबर्ग का नाम मैंने ले लिया है यहाँ पे, तो इसलिए अगर सेथ रॉलिंस को सरप्राइज ओपोनेंट देना है और समर स्लैम को ग्रैंड करना है और एक ड्रीम मैच देखनी है बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड गोल्डबर्ग, तो WWE गोल्डबर्ग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस मैच के लिए, और फिर गोल्डबर्ग आकर एक शॉर्ट एंड इंटेंस वाली मैच में हरा सकते हैं सेथ रॉलिंस को और जीत सकते हैं वो ये मैच, क्योंकि गोल्डबर्ग के पिछले मैच में रोमन ने उन्हें हराया था। तो इसलिए अगर गोल्डबर्ग को विन चाहिए और क्रेडिबिलिटी चाहिए फिर से, तो गोल्डबर्ग आ सकते हैं सेथ रॉलिंस के ओपोनेंट बनकर और उन्हें हरा सकते हैं। सो लेट्स सी, सेथ रॉलिंस के लिए एक सरप्राइज ओपोनेंट हमें देखने मिलता है जो कि ट्रिपल एच अनाउंस करेंगे ऑन द डे ऑफ समर स्लैम या फिर कल के स्मैकडाउन में। और अगर वो अनाउंस करते हैं तो वो कौन होते हैं, जॉनी गार्गानो या फिर गोल्डबर्ग। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ ह्यूज मैच फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और ये मैच होगी फॉर द लास्ट टाइम बिटवीन रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर। और दोस्तों ये मैच होने वाली है अ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। दोस्तों इस मैच में हमें काफ़ी ज़्यादा ब्रूटैलिटी देखने मिलेगी, और जैसे आपको पता है कि समर स्लैम TV14 की रेटिंग से चल रहा है, तो इस मैच में मे भी हमें ब्लड देखने मिले। आपको पता ही है कि WrestleMania 34 एंड WrestleMania 31 के
ब्रॉक वर्सेस रोमन के मैचेस कैसे हुए थे, तो वैसा ही कुछ सिनेरियो हमें शायद देखने मिल सकता है इस ढांसू एंड डेंजरस लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में। और ब्रॉक लेसनर पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो जीते ये मैच, पर दोस्तों बैटिंग गॉड्स तो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि रोमन रेंस यहाँ पर विक्टोरियस रहेंगे। और दोस्तों मुझे भी यही लग रहा है कि रोमन रेंस ही यहाँ पर विक्टोरियस रहेंगे और वो फिर से एक बार हराएंगे ब्रॉक लेसनर को। बट मैच तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगी एंड इंटरेस्टिंग होगी एंड बारबेरिक होगी। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बैटिंग गॉड्स, आई पिक द विनर एंड स्टिल योर WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। और दोस्तों इस मैच के बाद हमें एक शॉकिंग सिनेरियो जरूर देखने मिल सकता है, क्योंकि ट्रिपल एच अब आ चुका है इन चार्ज ऑफ WWE और ट्रिपल एच के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। और फ्री एजेंट्स की बात करें तो मेरे नज़र में दो ही फ्री एजेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, वो है ब्रे वाइट और दूसरे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो इन दोनों में से कोई एक अगर आ सकता है और अटैक कर सकता है रोमन रेंस के ऊपर आफ्टर द मैच और चैलेंज कर सकता है एक टाइप से, तो काफ़ी मज़ा आएगा। मेरे हिसाब से तो द फीड ब्रे वाइट होने चाहिए वो शख्स जो कि आ सकते हैं और अटैक कर सकते हैं रोमन रेंस को आफ्टर द मैच, क्योंकि रोमन रेंस ने फीड कैरेक्टर को क्लीन हराया नहीं है कभी। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि WWE द फीड ब्रे वाइट को कॉन्टैक्ट करते हैं फॉर एन अपियरेंस और कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उन्हें नया वाला या फिर नहीं। मैं तो पर्सनली देखना चाहूँगा द फीड ब्रे वाइट को, बट वो WWE के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो क्या करते हैं समर स्लैम में। यह ट्रिपल एच का फर्स्ट पेपर व्यू होगा, बड़ा पेपर व्यू जो कि वो खुद पूरा बुकिंग करेंगे। यहाँ पर विंस मैकमैन जरा भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो लेट्स सी ट्रिपल एच कैसा बुक करता है ये पेपर व्यू। ये बहुत बड़ी टेस्ट होगी ट्रिपल एच के लिए एंड आई होप कि वो ये पेपर व्यू काफ़ी अच्छा बुक करें। तो दोस्तों ये था हमारा समर स्लैम का प्रेडिक्शंस। समर स्लैम पेपर व्यू काफ़ी ज़्यादा ढांसू एंड एक्साइटिंग होगा, तो आपसे भी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए समर स्लैम के लिए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आप कितने एक्साइटेड हैं समर स्लैम पेपर व्यू के लिए, सेकंड इस पूरे मैच कार्ड में से आपकी फेवरेट मैच कौन सी है, थर्ड क्या आप देखना चाहते हैं गोल्डबर्ग को एज अ सरप्राइज ओपोनेंट ऑफ सेथ रॉलिंस, फोर्थ क्या आप देखना चाहते हैं द फीड ब्रे वाइट को रिटर्न करते हुए एट समर स्लैम एंड अटैक करते हुए रोमन रेंस के ऊपर, एंड फिफ्थ क्या आप चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर जीते हैं WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप या फिर रोमन रेंस। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।